चला है। आज मैं मोहाटा पैलेस आया हूँ कराची के अंदर, जो कि एक मशहूर ताजर शिवरतन मोहाटा ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था। मशहूर तो यही है, और कहते हैं कि उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, जिसकी वजह से उनको किसी प्रीस्ट ने बताया कि उन्हें किसी समंदर के किनारे जगह पर रहना चाहिए। तो शिवरतन मोहाटा ने ये पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसे मोहाटा पैलेस को अपनी बीवी के लिए तामीर कराया, जो कि आज कराची पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अच्छा, और यहाँ पे पार्टीशन के बाद मोहतरमा फातिमा जिना भी रही हैं, जो कि कायद आज़म की बहन थी, और उनकी वफात के बाद यहाँ पे उनकी बहन फातिमा जिना की शीरी बाई भी रही हैं। काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का।
मैं मोहाटा पैलेस के अंदर हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक हिंदू ताजर जो थे हमारे शिव रतन मोहाटा, उन्होंने अपनी एक वाइफ के लिए बनाया था, चूँकि वो बीमार रहती थी बहुत ज़्यादा, और उनको सजेस्ट किया गया था कि वो किसी ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर समंदर हो। तो उन्होंने यहाँ क्लिफ्टन कराची के अंदर पैलेस बनवाया था अपनी वाइफ के लिए। और यहाँ पे एक सीक्रेट ये भी है कि जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि जो आप गार्डन मेरे पीछे देख रहे हैं, इस गार्डन से अंडरग्राउंड टनल जाता था। एक मंदिर है जो अब्दुल्ला शाह गाजी के पीछे है, वो रानी माँ का मंदिर कहलाता है। तो अभी भी अगर आप रानी माँ के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ से रास्ता जो है वो मोहाटा पैलेस की तरफ आता है, मगर मोहाटा पैलेस से रास्ता बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो अंडरग्राउंड टनल्स जाता था मंदिर में ताकि जो मोहाटा